यार चलो यार धूप चली जाएगी यार रिकॉर्ड हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज सिड दिस इज माय सेकंड व्लॉग और आज मेरा डे ऑफ है इसलिए आज हम जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स देखने क्योंकि मैं नायग्रा फॉल्स में रहता हूँ ये मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में नहीं बताया था तो मैं आज बता रहा हूँ और उसके अलावा हम क्लिफ्टन हिल देखेंगे वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू विजिट व्हेन आई एम यूजुअली डूइंग नथिंग तो स्टे ट्यून्ड देखिए घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम आ गए हैं क्लिफ्टन हिल मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट दूरी पे है ये टूरिस्ट अट्रैक्शन और अलॉन्ग साइड उसके नायग्रा फॉल्स है जो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा राइट सो आ गए हैं हम फॉल्स पे मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो यूएस का फॉल्स है तो नायग्रा फॉल्स में दो तरीके के फॉल्स हैं एक जो कनाडा को बिलोंग करता है और एक जो यूएस को बिलोंग करता है तो जो मेरे पीछे है अभी वो यूएस का है और उस तरफ वो जो ब्रिज आपको दिख रहा है दैट्स कॉल्ड द रेनबो ब्रिज वहाँ से आप यूएस जा सकते हैं रीच आर बफलो न्यूयॉर्क और मैं आपको हॉर्सशू बताऊँगा दैट्स कनाडा इज नायग्रा फॉल्स फॉल्स दोनों जगह नायग्रा फॉल्स ही बोलते हैं तो मैं दोपहर को निकला था और दोपहर से शाम हो चुकी है और मुझे दिखाना था वो कि नायग्रा फॉल्स रात में कैसा दिखता है I'm not afraid to die.
बैठा हूँ स्काई व्हील के अंदर, जहाँ से मुझे पूरे नायग्रा फॉल्स का, पूरे नायग्रा फॉल्स का नहीं मतलब एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट्स का व्यू दिखेगा। और हम ऊपर जा रहे हैं फिलहाल, सो टेक अ लुक। चार घंटे की पूरी वीडियो तो मैं नहीं ले पाया हूँ, बट निकल गए हम फाइनली और अब हम घर जा रहे हैं। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग, और इसी के साथ दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग आई गेस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप ब्लॉगिंग। चलो चलो फटाफट घर जाते, ठंड हो गई है बड़ी। हम यहाँ पर